ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही, ना कोई अथॉरिटी कम करने की सूरत है, ना कोई 18वीं तरमीम को चैलेंज करने का कोई ख्याल है, इरादा है। ये मैंने आपसे अर्ज किया कि कमेटी सिर्फ अपनी जो कानूनी इम्प्लिकेशंस हैं उसको देखकर वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को दोनों को ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी कि ये सूरत हाल कराची की निकलती है कि अगर हम इसको बेहतर करना चाहते हैं तो। ये हुकूमत ड्रामाबाजी कर रहा है, कमेटी पर कमेटी बैठा रहा है, और ये कमेटी तो हैरा ही नहीं है। GDA और हुकूमत के जो भी कठपुतली इत्तेहाद है, ये तो हमेशा से सिंध को तोड़ने के सोच रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, कराची की बदतरीन सूरत हाल पर आखिर वफाकी हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाने की ठान ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने एक कराची के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है, सरबराही में कमेटी तश्कील दी है जिसके सरबरा फारूक नसीम साहब होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि ये क्लीन कराची मुहिम भी जारी रहेगी। उसके अलावा 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर इस वक्त कराची का कचरों में डूबा पड़ा है। सीवरेज का निज़ाम हो, पानी के मसले हो, या जो भी मसाइल हो शहर के, वो कम होते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए इस आर्टिकल को अगर इन्वोक किया जाता है जो कि फारूक नसीम ने कहा है, आर्टिकल 149(4) के तहत वफाक की जानिब से कराची को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, अगर सिंध हुकूमत नहीं मानी तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इसी पर एक सियासी हलचल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट आमने सामने। अगर ये आर्टिकल इन्वोक होता है तो इसमें काम किस तरह होगा, पैसे किसको जाएंगे और सुपरविजन कौन करेगा? बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है रिहान हाशमी साहब ने, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली और सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। शगुफ्ता जुमानी साहिबा कौमी असेंबली की रुकन है और आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली की, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन है। इसी तरह कंवल शोज़ब साहिबा कौमी असेंबली की रुकन है, तहरीक इंसाफ की एक सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी कि शगुफ्ता, इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैंने स्पेसिफिक साउंड बाइट्स रखी हैं ताकि हर पोलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से जवाब दे सके। तो पहले जो कमेटी के सरबरा हैं फारूक नसीम साहब, वो क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल के बारे में पहले वो सुन लेते हैं। कराची तो आपने 11 साल देख लिया, सिवाय यहाँ कूड़ा के, करकट के, सिवाय पानी की कमी के, किल्लत के, मक्खियों के, सो मच सो के 18वीं तरमीम बनाने वाले पीपल्स पार्टी के ही मेन लोग थे, PMLN वाले भी हमारे भाई थे, उन्होंने इस आर्टिकल को रिटेन किया। तो अगर तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ होता ये आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए था। आर्टिकल 149(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना तो ये किसी गवर्नर राज की बात करता है, ना किसी इमरजेंसी की बात करता है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। वो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास एक ऐसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। जी शगुफ्ता, डायरेक्शंस देने की बात हो रही है खाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने बुलाया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कल से एक अजीब किस्म की जैस्मीन, यूँ समझ लें कि खुलबुली मची हुई है। इश्यूज तो बहुत है इस वक्त मुल्क में, लेकिन जो वजीर कानून ने कल जो बात की है आर्टिकल 149 की जी, आज यकीनन उन्होंने यू टर्न ले लिया है, वो उसमें मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने 149 आर्टिकल 149 की बात करके लोगों की नींदें हराम कर दी और ये तासुर दिया कि, और उनकी बातों से ऐसे कल तक तो ऐसे लग रहा था, मीडिया इस चीज की गवाह है कि आर्टिकल 149 के तहत कराची जो है वो सिंध सूबे से अलग कर रहे हैं और फेडरेशन के हवाले कर रहे हैं। ये मैं आर्टिकल लेकर आई हूँ और यकीनन इसकी कॉपी आपके पास भी होगी, है बिल्कुल है, लेकिन इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 149 जो है उसमें आप
जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, उसमें आपके जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो डाकखाना आता है जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपके जो ट्रेन का सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिंध में बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि वो फेडरल का डिपार्टमेंट है लेकिन फिर भी वो बहुत ही ऐसन तरीके से चल रहा है। दूसरा आपका जहाजरानी का है वो भी ऐसन तरीके से चल रहा है। आर्टिकल पूरा आर्टिकल ना पढ़े, वो आर्टिकल 49 का सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं ग्रेव मेनेस टू द पीस ट्रैंक्विलिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट ऑफ देयर फॉर। देखिए फेडरल फेडरेशन की जहां बात आती है तो मौजूदा हुकूमत ने ये ऐलान किया था जी, आते के साथ इन्होंने ये ऐलान किया था जब पहला इनका टूर हुआ था न्याजी साहब का कराची का, तो उन्होंने 162 बिलियन जो है उसका ऐलान किया था कराची के लिए जी, वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। अब ऐसी क्या मन को खुलबली मची है कि इन्होंने सियासत जो है वो आके कराची के कचरे पे की है। कराची में डीएमसी से सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कचरा उठाएगी ना, डीएमसी मौजूद हैं, केएमसी मौजूद है और भी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको यहां बताती चलूं कि इन सब चीजों के बावजूद आज सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ये इदारे अपनी जिम्मेदारियां संभाले या ना पूरी करें, हम ये चीज उठाएंगे। लेकिन जो जुरिडिक्शन सिंध गवर्नमेंट की है, ओके मैम, जो इलाके सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं अगर वो कचरा वहां से साफ करते हैं, नहीं खाली तो कचरे की बात तो नहीं हुई ना, खाली कचरे की बात नहीं हुई, तमाम तरक्की आती मंसूबे उसके अलावा देखे पानी का साफ पीने का पानी की फराहमी, सीवरेज की सफाई, मास ट्रांजिट सिस्टम। अच्छा कमल साहिबा क्या क्या हो गया भाई, फेडरल गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम कर तो रहे हैं, आपको क्या हो गया जो आप लोगों ने अचानक कमेटी बना दी और उसमें आपने कोई सुबाई बंदा भी नहीं बुलाया उस कमेटी में? थैंक यू जासमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट पहुंची हूं तो पिछला आर्गुमेंट सुन नहीं सकी। नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं था, मैंने फरूख नसीम साहब की खाली बात सुनाई है कि वजीर आजम ने उनको क्या डायरेक्शन दी है और कराची के हवाले से वो ये कह रही है कि ये एक मंसूबे के तहत आप अलग करना चाहते हैं शहर को कराची को सिंध से। देखिए इनकी तो पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम यही है कि ये आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही के वो जैसे होता है ना कागज के जहाज बना बना के फेंकना, इसके अलावा कोई काम आज तक हुआ है तो बता दें 11 साल हो गए इनकी हुकूमत है सूबे में जी, और उस शहर जिसको कराची मेन हब है बिजनेस का, वो हब है आपका कॉस्मोपॉलिटन है और सारी दुनिया कराची की जो है वो ओनरशिप वैसे तो मांगते हैं लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आए तो हर कोई हैंड्स अप हो जाता है। तो आज की जो स्टेटमेंट बिलावल साहब ने दी है मैं उसको भी जेहन में रखते हुए बात कर रही हूँ जी जी। देखिए वफाक जो होती है उसका काम है वो, ये कोई स्टेट्स विद इन द स्टेट तो नहीं बनी हुई है 18वीं तरमीम के बाद के सूबों को टोटली आप समझे कि वो अलग स्टेट है, वहां पे आप बात ही नहीं कर सकते। वफाक के पास ये इख्तियारात हैं और भुट्टो साहब के दिए हुए 1973 के आइन जिसको ये सारे बड़े फखर से क्लेम करते हैं ये उसी की शिक है 149। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये गैर आइनी कैसे हो सकता है, या ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में से जब एक आर्टिकल निकाल के बताया जा रहा है तो इसका नफाज कोई गैर आइनी कहलाएगा? आखिर कोई कंडीशंस हैं और जाहिर है आइनी तकाजे पूरे होंगे तो ये आर्टिकल उस पर वैलिड होगा। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और खास तौर पे बिलावल को देखना चाहिए कि उन्हीं के नाना का बनाया हुआ ये आईन है जिसके अगेंस्ट वो इतनी स्ट्रांग किस्म की और इतनी खौफनाक आज उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि तैयार बैठे हुए हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए कि अगर ये होगा तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर सिंधुस्तान बनेगा तो ये बनेगा तो बांग्लादेश। यही जुबान आपने देखा कि कुछ अरसा पहले मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब बोला करते थे, तो इसका मतलब ये है कि आपसे अगर परफॉर्मेंस पूछी जाए, आपकी गवर्नेंस को अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, आपने एक शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है और वफाक उसी आइन के आर्टिकल 149 के तहत जो पीपल्स पार्टी के जो मेन कर्ता धरता थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दिया हुआ जिसकी ये सारे क्रेडिट लेते हैं उसके तहत अगर इंटरवीन कर रही है और वो भी कंडीशंस हैं, अगर कहेंगी तो मैं आपको आर्टिकल 149 पढ़ के सुना दूंगी। मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन ठीक है, जो कमेटी बनाई है वो कराची की बेहतरी के लिए बनाई है और फेडरल गवर्नमेंट का मौकिफ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कराची शहर की बेहतरी के लिए, क्योंकि जिस तरह फरूख नसीम ने भी कहा 70% रेवेन्यू देने वाला शहर तबाही के धाने पे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے کیا کہا، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ ایم کیو جو ہے ہمیشہ استعمال ہوتی ہے اور اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، کس کے اشارے پہ ہو رہی ہے اس کا میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے اس شہر کی بھی اور ایم کیو کی بھی کہ لوگ انہیں بار بار ووٹ دیتے تھے، پھر بعد بار یہ مینڈیٹ لوگوں کا چھینتے بھی رہے لیکن کسی نہ کسی طرح اسمبلی میں آتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی عوام کی پالیٹکس نہیں کی بلکہ یہ استعمال ہوتے رہے اشاروں پر، اور یہاں اس صوبے کے اندر جو میجورٹی میں پارٹی آتی رہی ہے پیپلز پارٹی، اس کے خلاف ہی اعلی کار بنتے رہے اور آج پھر ہی اعلی کار بن رہے ہیں۔ ریحان صاحب، آپ اعلی کار بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس دفعہ مل کر، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام ایکسرسائزز جو ہو رہی ہیں وہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہو رہی ہیں۔ پرائم ریسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی تھی اور ہے۔ 18ویں ترمیم کی جو بات کرتے ہیں، 18ویں ترمیم بنیادی طور پر اس کی روح یہ تھی کہ ڈیولوشن آف پاور ہو، بالکل ڈیسنٹرلائزیشن ہو، نچلی سطح تک منتقلی ہو، اس کے سمرات عوام تک جائیں۔ پھر آرٹیکل 148 آرٹیکلز کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 148 نظر نہیں آتا جو کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز ڈیوالو کریں پروونسز، اور شیل کا لفظ استعمال کیا ہے، نچلی سطح تک۔ جب یہ کیا گیا ہے تو اس وقت وہ آئین نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ کہہ رہے تھے، یہ غنی صاحب نے جو بات کہی تو ان سے ہی پوچھا جائے نا کہ کون سے اشاروں کی بات کر رہے ہیں، کس کے اشاروں کی بات کر رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خود بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ہم جو بیٹرمنٹ ہوگا لوگوں کے لیے، لارجر انٹرسٹ ہوگا، اس کے لیے کام کریں گے۔ کراچی اور اربن سندھ کا لارجر انٹرسٹ یہ تھا اور یہ ہے کہ کراچی میں جو بنیادی سہولیات ہیں عوام کو وہ میسر آئیں۔ بنیادی سہولیات کیا ہیں؟ لوکل باڈیز نا، یہ جمہوری چیمپئنز، انہوں نے تو 10 سال تک بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے، سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کرائے۔ ایک عام آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے فٹ پاتھ پر، سڑک پہ، اور فٹ پاتھ سے سڑک تک، اور سڑک سے اپنے آفس تک جب جاتا ہے تو بنیادی طور پر 99% تو اس کو پرٹین کرتا ہے بلدیاتی ایشوز، کچرا ہو، لائٹ ہو، سیوریج ہو، پانی ہو، پینے کا پانی ہو، ماس ٹرانسپورٹ ہو۔ بدقسمتی دیکھیں کہ ایک تو ٹیکسز کی مد میں بلدیات کو کیا دے رہے ہیں، 20 سال پرانا سینسس جو ہوا ہوا ہے اس کی بنیاد پر پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی ہے، اور وہ 20 سال پرانے مردم شماری کے تناسب سے دیا جا رہا ہے، جبکہ کراچی ریونیو کتنا جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ اگلی بات دیکھیں، بلدیاتی ادارے کون کون سے ہیں؟ کچرا اٹھانا بلدیاتی ادارے کا کام ہے، لیکن سالڈ ویسٹ سندھ گورنمنٹ نے بنا دیا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھے گی اور سالڈ ویسٹ کے ذریعے کچرا اٹھوائے گی۔ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ بلدیات کو پیسے دو نا، اس کا آدھا پیسہ دے دیں، نہیں دیں گے۔ اچھا پھر مہم بھی چلا رہے ہیں بھائی، بلدیاتی ادارے بنا دیے، انتخابات ہو گئے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر، اگر کچرا سوال کیا جا رہا ہے میئر سے، میئر کے پاس سالڈ ویسٹ نہیں ہے، پیسے دے رہی ہے سالڈ ویسٹ کو لیکن سالڈ ویسٹ میئر کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا بلدیاتی ادارہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سیوریج کے مسائل پورے شہر میں ہوئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے، سڑکیں برباد۔ مطلب ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ایک فون پہ لگا ہوا تھا، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھ سے بزد تھے، میرے علاقے کے رہائشی، کیونکہ ہم عوام کو اویلیبل ہیں، ہم رسپونڈ کریں گے، لیکن ہمارے لیے جواب مشکل ہو گیا ہے۔ سیوریج کا ایشو، واٹر کا ایشو، واٹر اویلیبلٹی کا ایشو پرٹینز ٹو بیسکلی یہ بلدیاتی کام ہے، لیکن سندھ حکومت نے بات کی۔ آخری دو چیز، دو چیز ہیں، دو چیز ہیں۔ اچھا میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، میں تو بہت اس ایشو سے پہ ڈیبیٹ کر کے، ہم تو کور ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا، آئیڈینٹیفائی تو وزیر اعظم نے کر دیا نا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ مسئلے ہیں جن کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، بالکل یہ مسائل ہیں نا۔ کیا آپ لوگ وزیر اعظم کی اس کمیٹی کا ساتھ دیں گے؟ آر یو آن بورڈ؟ آف کورس وی آر آن بورڈ، بیکاز وی آر دا وکٹمز، ہم کو تو لوگوں کو جواب دینا پڑ رہا ہے نا۔ اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کرتی، اگر شگفتہ صاحبہ، یہ جو مسائل ریحان بیان کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کراچی کے شہری روز اس عذاب سے گزرتے ہیں؟ جیسمین دیکھیں، میں پہلے تو تھوڑا سا ایک چیز کو واضح کر دوں، پھر میں ریحان بھائی، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بھی ممبر رہے ہیں، میں ان کی بات کا جواب دیتی ہوں۔ دیکھیں آرٹیکل 149 جو ہے نا، وہ اس کے تحت وفاق جو ہے وہ صوبے کو ہدایت جاری کر سکتا ہے، آرڈر نہیں دے سکتا، ہدایت جاری کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے اس آرٹیکل کے تحت، یہ نہیں ہے کہ صوبے سے کسی شہر کو الگ کرے، جو کل کا تاثر یہ دے رہے تھے کہ جی کراچی کو الگ کر رہے ہیں۔ کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ گیارہ سال کل کا جو تاثر تھا، کل جو وزیر قانون
फरोग नसीम साहब की आप बात सुन देख लें, आप मीडिया के जो भी उन्होंने बोला है या जो भी उनके पीछे चल रहे हैं, अच्छा ठीक है, उनका तासर यही देखे जैस्मीन, उसका तासर यही आ रहा था, जिसके बाद जाहिर है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने बोला है, सिर्फ बिलावल साहब ने नहीं बोला है, और भी सिर्फ जितनी और पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने कमेंट्स जो हैं वो दिए हैं इस पे। लेकिन दूसरी बात ये कि 11 साल की बात कर रहे हैं क्या रेहान भाई, आप 11 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं थे। जैसमिन ये सारा झगड़ा पैसे का है, हमें पैसे नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट, अगर सिंध गवर्नमेंट एग्जिस्ट ना करती हो, फेडरल गवर्नमेंट का कमेटियां बना रही है भाई, क्यों, क्या आपको सिंध गवर्नमेंट नजर नहीं आती, क्या वजीर आजम वजीर आला से बात नहीं कर सकता, क्या आपका गवर्नर वजीर आला के साथ बैठ के इस मसाइल का हल नहीं निकाल सकता, कमेटियां बनाई जा रही है, कमेटियां तो इस मामले का हल नहीं है ना, कि आप अपने मनपसंद लोगों की कमेटियां बना के और मसले का हल करें। अच्छा इसका भी जवाब दिया है, हम कहते हैं देखिए जैस्मीन मेरी बात सुने, पैसे सिंध गवर्नमेंट को ना दे, वैसे भी तो वफाक ने सिंध गवर्नमेंट के तरक्याती बद में कितने पैसे रोके हुए हैं, ये 162 अरब रुपए जो हैं आप मेयर कराची को दे दे, उनसे उनसे उनको उनके हवाले करके आप उनसे जो है जो जो जब उनके मैम उनके पास पावर ही नहीं है तो वो उन पैसों का क्या करेंगे, किस चीज के पावर है, उनके पास पावर है कि गटरों में जो है ना वो गड्ढे डाल दे, तकिए डाल दे, नाले बंद कर दे, उनमें बोरियां डाल के बंद करा दे, वो उनके पास पावर अच्छा है। जो अभी आपने बात की ना कि कमेटीज क्यों बना रहे हैं, कराची का जो मसला है जी, कराची का जो मसला है वो तो अभी कुछ दिनों से जो शुरू हुआ है ना, पहले तो कराची साफ सुथरा था, मामला सारा पैसों का है, जंग सारी पैसों की है। सही कहा सईद गनी साहब ने कि यही वो पार्टी है जो हमेशा बरसर इक्तदार रही है, चाहे जीत कर आए या छीन कर आए, कराची के ये लोग हकदार रहे, उस वक्त तो कराची जो है वो कचरा कुंडी नहीं बना हुआ था। अब अच्छा उसका जवाब तो रेहान देंगे, लेकिन जो वफाक ने आपके बारे में किया है तो मसला जो है वो सबको पता है। ओके, वफाक ने आपकी बातों का क्या जवाब दिया, फरोग नसीम साहब को जब पता चला, ओके मैम एक सेकंड, चला दे, तो आर्टिकल 6 के तहत हो जाएगी, तब उन्होंने यू टर्न ले लिया। अहमद प्लीज चलाएं वो साउंड बाइट जो वफाक ने अपना मौकिफ दिया। बार बार दावत दी कि आओ मिलजुल के इस शहर इस सूबे के मसाइल हल करें, लेकिन जहां मकसद सिर्फ पापा को बचाना और फुप्पो को बचाना हो, और उन्होंने कह दिया कि वफाक के साथ कोई कॉपरेट नहीं करना, तो उन्होंने अपनी जिद पे अड़े रहे। जी वेलकम है शगुफ्ता साहिबा, जवाब तो आपको मिल गया होगा, वो कह रहे हैं 100 दफा तो आपको बुलाया, जब आप अपनी जिद पे अड़े हैं तो क्या करें। देखिए हमारी कोई जिद नहीं है, हम इस मुल्क के बानी हैं, हमने इस मुल्क को बनाया है, हमने इस मुल्क को कानून दिया है। मेरी बहन जो बार बार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम जिस अंदाज से ले रही थी, बड़े अफसोस की बात है, उस शख्सियत का नाम इस अंदाज से लेना जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, इनको तो तकलीफ है पुप्पो से और बाप से, आपने उनको जेल में बंद कर दिया है ना, अब तो पुप्पो भी बंद है बाप भी बंद है। वो कौन सा दिन है जिसमें बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, साबिक प्रेसिडेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके हमेशा हाथ बढ़ाया। आपको जैस्मिन याद होगा कि बिलावल साहब ने यहां तक के कहा कि अगर जो अब इस वक्त काम होंगे गवर्नमेंट के, इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या ये चीजें रिकॉर्ड पे नहीं है? ठीक, शमीम नकवी साहब ने कह दिया, कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें आप आपका गवर्नर चल के गया हो सीएम के पास या सीएम को बुलाया हो अपने पास, क्या इनकी वर्किंग रिलेशन है? मैं ये तो अब हम आए हैं तो हम जाएंगे नहीं। ओके, और जो छोटा सा मक्खन ले लेते उसके बाद रेहान और कमल इसका जवाब देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक कमल साहिबा जी, प्लीज डू कमेंट। जी पहली बात तो ये है कि मैंने किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स तो नहीं दिए जुल्फकार अली भुट्टो
साहब को, और जो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो उन्होंने बनाया है और जिसको बहुत ज़्यादा क्लेम करती है पीपल्स पार्टी, मैंने तो उसी को रिएट्रेट किया है। मैंने कोई उसमें आई डोंट नो कि शाइस्ता जमानी साहिबा को किस बात का इसमें हद तक महसूस हुई है। दूसरी बात यह है कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस टाइम पे बिलावल साहब ये बयान दे रहे थे असेंबली में खड़े हुए, उसी टाइम पे उनके वालिद मोहतरम जरदारी साहब अपने जो आबाई इलाका है वहां पर बैठ के इंतहाई खौफनाक किस्म के बयान उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ दे रहे थे, और उसके चंद दिन बाद ही वो वाला भी बेहतरीन जो शाहकार है उनका बिलावल साहब का कि मैं लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा, वो भी मार्केट में आ गया। उसके बाद कितनी जो है ज्वाइंट इन्होंने ऑपोजिशन ने सेटिंग्स की, मीटिंग्स की, कि किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ जो है मार्च किया, वो भी बिलावल साहब ने तारीखी मार्च किया मार्च के महीने में जो फेल हो गया। तो हुकूमत गिराने के इरादों के साथ तो उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ करके दिखाया है। कदम बढ़ाओ इमरान खान तो उन्होंने एक दिन सिर्फ कहा, उसके बाद जिन अलकाबाद से वो बयान दागते रहते हैं उसके बाद आप मुझे बता दें कि ऑन बोर्ड रखने वाली तो सिचुएशन वैसे ही नहीं रहती है। अच्छा, बजट इन्होंने कहा हम पास नहीं होने देंगे और हम हुकूमत को गिरा देंगे। फिर आज आप सोचें कि सेनेट की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ कि नो कॉन्फिडेंस का कोई कभी आया हो, वो ये सारे मिलके लाए। तो हुकूमत को तो आप चलने देना ही नहीं चाहते, ये एक जुमले को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जहां तक बात है 149 की और कराची की, तो फरोख नसीम साहब कानून दान है और माहिर कानून दान है, इस वक्त वो फेडरल मिनिस्टर है कानून के। कोई भी बात जब वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करेंगे तो जाहिर है उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में होगी, तभी वो इंप्लीमेंट हो सकता है ना जी। उसकी मैं या शाइस्ता जुमानी साहब बैठ के तो इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, तो कानून के एक्सपर्ट्स और उसमें जस्टिस सज्जाद साहब की इंटरप्रिटेशन एक केस 388 है उसके मुताबिक मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जहां तक कराची की बेयारो मददगार और यतीमी के रोने हैं, वो आप 11 साल की गवर्नेंस अगर हम आप उठा के देख लें, जासमीन आप कराची रहती हैं, मैंने 6 साल कराची में गुजारे, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कराची के उस वक्त हालात 2009 में मैं शिफ्ट हुई थी उससे लेके आज अगर आप देखें तो आपको यकीन नहीं आता कि ये वही कराची है कि जिसको जहां चलना फिरना नामुमकिन हो गया, और वहां पे इतना बड़ा शहर है, इतनी करोड़ों की वहां पे आबादी है। आज तक इस मेट्रो या कॉस्मोपोलिटन के लिए कोई मास ट्रांजिट का कोई ये नहीं ला सके मंसूबा। अब आपको पता है ग्रीन लाइन एक स्टार्ट हुआ था मंसूबा जो वफाक ने ही फंड करना है, तो अब हमारे जो 3 मिनिस्टर्स की कमेटी है जिसमें मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ प्लानिंग की, तो प्लानिंग के मिनिस्टर ने ही ये सारा यहाँ से ये एलोकेशन होनी है। फिर फरोग नसीम साहब ये होगी एलोकेशन किसको होगी, वो कह रही है ना हमें पैसे नहीं चाहिए, वो कह रही है हम लोगों से जब आपका रापता ही नहीं है, वर्किंग ही नहीं है, रिलेशनशिप ही नहीं है, तो हमें तो पैसे नहीं चाहिए। देखिए, तो ये पैसे किसको दिए जाएंगे मैम? जैस्मीन, 18th अमेंडमेंट इसलिए की गई थी कि पावर डिवॉल्व हो, जैसे रेहान साहब बता रहे थे, और लोगों के डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटीज अवेलेबल हो जी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक 3-tier जो गवर्नमेंट का निजाम है जिसमें वफाक, सूबा और फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, इसकी जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से गवर्नेंस गुड होने की बजाय वर्स्ट होती जा रही है, और उसमें सूबाई हुकूमतों का जो किरदार है जिन्होंने अपने जो देखे आप लोकल गवर्नमेंट के साथ सूबे की हुकूमत ने कॉपरेट करके चलना होता है ताकि शहरियों तक या आम आदमी तक उसका फायदा पहुंच सके, और वफाक ने आपको पॉलिसी देनी होती है, लेकिन आपको ये लिंक आपको बीच में इतना बड़ा लकूना और गैप नजर आ रहा है। और मैं आपके तवस्सुत से रेफरेंस देती जाऊं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब पहली हुकूमत आई थी तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया था, मैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सुना करती थी, तो उन्होंने एक जिस तरह पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी या एक मॉडल लंदन या ये यूके में जो एक्सरसाइज होता है वही बात उन्होंने आके यहाँ की कि यहाँ पर सूबे होने ही नहीं चाहिए, तो डिविजन होना चाहिए, वफाक होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट, तो उस पर उन पर उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। आज मैं समझती हूँ कि अगर मोहतरमा जिंदा होती तो वो हैरान ही हो जाती कि जो उन्हीं के नाम पे उन्हीं की पार्टी जिस किस्म के कारनामे अंजाम दे रही है पिछले 11 सालों से, और अवाम ने मोहतरमा के नाम पे उनको ये वोट डाले थे जो ये इनकी वफाक में भी हुकूमत आई थी और सूबे में भी हुकूमत आई हुई थी। मैम एक सेकंड, मैं समझती हूँ कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो पीपल्स पार्टी की स्पिरिट थी या जिस तरीके से इनको चलना था उसके ये 180 डिग्री ऑपोजिट चलते हैं।
रेहान साहब, क्या ये जो बात हो रही है, अब मेयर वसीम अख्तर साहब का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है आर्टिकल 149(4) को इन्वोक किया जाए, पूरी तरीके से साथ दिया जाएगा। जी रेहान, देखें पहले तो इन्होंने मेरी बहन ने कहा कि 11 साल हुकूमत, मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली टेन्योर में भी हम नहीं थे, याद है उससे पहले जब पीपल्स पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट था, तो मुझे बुरा नहीं मानिएगा ये कहने दीजिए कि वो पॉलिटिकल ब्लंडर था एमकेएम का। और आखिरी सालों में जब कोलिजन के, आपने देखा होगा कि 10 बार एमकेएम जा रही है आ रही है, उसके ऊपर लोगों ने हमें तनकीद का भी निशाना बनाया कि आना जाना क्या लगाया हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पर आना जाना तो यही वजह थे ना कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था। और फिर बहुत मौजरत के साथ लगता है फरूख नसीम साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो खदशात और ये तफक्कुरात, ये जो इनका इजहार कर रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, बज़ाहिर तो लगता है ऐसा है कि इनके लाशऊर में भी ये बसा हुआ है कि कराची अलहदा, भाई कि कराची के अलहदा करने की बात नहीं हो रही, कराची में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक की बात की जा रही है, चाहे वो कचरा उठाने से हो, सवालात किए जा रहे हैं लोकल बॉडीज से जिसके पास इख्तियार नहीं है। हम तो मतलब इसका मतलब ये दो सूरतें थी ना, या तो इसको छोड़ देते, लानत भेजते, लेकिन हम क्यों वैकेंट करें, क्यों वैक्यूम क्रिएट करें, हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोगों का काम है वैक्यूम क्रिएट ना करें। अच्छा 2001 में मुशर्रफ साहब को बहुत बुरा कह लें आप, लेकिन मुशर्रफ साहब के कारनामों में एक कारनामा लोकल गवर्नमेंट का भी तो था। लोकल गवर्नमेंट जिस किस्म की मुशर्रफ दौर में थी, उसका 1/4 भी पावर, अथॉरिटी या फाइनेंशियल पावर्स दिए जाते तो बेहतर होती चीज़ें, लेकिन इनका मकसद ही नहीं है। इन्होंने तो उसका रिवर्स गियर लगा दिया, सॉलिड वेस्ट बना दिया कचरा उठाने के लिए, वाटर एंड सेवरेज अपने पास रख लिया, मास्टर प्लान अपने पास रख लिया, बिल्डिंग कंट्रोल अपने पास रख लिया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने पास रख ली। तो भाई और सवालात हो रहे हैं मेयर से, सवालात हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, इनके भी नुमाइंदे हैं बहुत सारी जगहों पर, इनके अपने नुमाइंदों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। देखें ये 149 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, 4 है जो कहता है कि इक्तिसादी मामलात भी अगर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए तो, अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि जो आदमी दुकान नहीं खोल पा रहा, जो कारोबारी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, रंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने अपने जाती पैसों से फंड से, आपको पता होगा रेहान, उन्होंने अपने इलाके साफ करवाए, इंडस्ट्री भी लगाएं, रेवेन्यू भी जनरेट करें, कचरा भी वो उठाएं, सीवरेज के पैसे भी वो दें, लोग अब हायर कर रहे हैं, लोग पंप्स हायर कर रहे हैं, बिकॉज़ लोगों के पास मजबूर हैं लोग। तो जब इस ऐसी सूरत हाल पहुंच जाए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे या मदद ना करे, मतलब ये कौन सी बात है कि बे यारो मददगार तड़पता हुआ सिसकता हुआ छोड़ दें। और सारी बिजनेस कम्युनिटी और जितने भी कराची में जो बैकग्राउंड में लोग हैं, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर से इस बात की शिकायत की है। शगुफ्ता साहिबा, क्या कमेंट करेंगी अब आप? जैस्मीन, बड़ा अफसोस है, बहरहाल आपकी अपनी एक राय हो सकती है, मैं रेहान भाई से ये पूछना चाहूंगी, किस चीज आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, क्या आप लोगों का क्या आप लोगों को फंड्स नहीं मिलते हैं? करोड़ों रुपया आपको फंड्स मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो बता, इससे पहले गवर्नमेंट ने आपको दिया था, जितने भी फंड्स मिले थे वो कहाँ चले गए? उसका कोई हिसाब किताब होगा? उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट होगी या नहीं होगी? अभी आके आप लोग कहते हैं कि जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपको फंड्स मिल रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं? जो घोष आपने एम्प्लॉइज भर्ती किए हुए हैं, एक एक ऑफिस में 60-60 200-200 लोग भर्ती किए हुए, जो अपनी ड्यूटियों पे नहीं आते हैं, वो घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, उनका हिसाब कौन करेगा? जो आज आप कह रहे हो कि जी फेडरल गवर्नमेंट इंटरव्यू क्यों ना करे, फेडरल गवर्नमेंट इंटरव्यू करे, फेडरल गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले हमारे 3 हॉस्पिटल भी तो लिए थे ना। हाँ, वो भी देखिए जैस्मिन, फेडरल गवर्नमेंट ने वो उसके लिए भी तो फंड नहीं रखा ना, संभालते ना उनको हॉस्पिटल्स को, उन हॉस्पिटल, ये एक मिसाल है आपके पास कि वो 3 बड़े हॉस्पिटल जिसको सिंध गवर्नमेंट चला रही थी, जिसमें कोई तफरीक नहीं थी कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे से कोई भी शख्स आके अपना वहाँ इलाज करवा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने लेने की कोशिश की और 3 महीने के बाद वो भी वापस कर दी। साहिबा, ये बात क्या है? कमेटियां बनाने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है शगुफ्ता साहिबा, बनाने से मसला हल नहीं होगा है। ये जो अगर मैम उनको जवाब देने दे, जी जी, अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियस है तो फेडरल गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियस है तो फेडरल गवर्नमेंट को वो फंड्स जो उन्होंने कहा था वो रिलीज करने पड़ेंगे। मैं दोबारा ये कहती हूँ कि वो 162 अरब रुपए जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को, सीएम मुराद अली शाह को मत दें आप, तो किसको दें? गवर्नमेंट को मत दें आप,
फिर किसको? आपका है ना मेयर कराची, आपके साथ गवर्नमेंट में बैठी हुई है वो जमात, वही जो है ना सर और मुंह पीट रही है कि हमें इख्तियारात नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, जैस्मिन मैं जी मैं देना चाह रही हूं जवाब, दे दे शगुफ्ता साहब जवाब ले ले वो करवाए देखिए शगुफ्ता साहिबा जो बातें कर रही हैं या सजेशंस दे रही हैं, ये मुराद अली शाह साहब अगर दे रहे होते तो फिर हम इसको सीरियस लेते। उन्होंने तो आज जो एक खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल ने की, जो मैं समझती हूँ कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वक्त इस तरह की बातें नहीं कर सकता, उनके साथ बैठे हुए थे वो मुराद अली शाह साहब। तोड़ने की बात करेंगी आप? सुबह तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही, मैंने इसलिए बड़े मौदबाने आपको कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149(4) को आप पढ़ लीजिए। अच्छा से सुबह अगर टूटता है तो फिर टूटेगा, लेकिन ना सुबह तोड़ा जा रहा है ना तोड़ने की बात हो रही है। हाकिम अली जरदारी साहब की तरह किसी ने उर्दू स्पीकिंग पे उंगली नहीं मैम लोगों की। शगुफ्ता साहिबा प्लीज बारी बारी बात करते हैं मैम, बारी बारी बात करते हैं, बारी उनका मौकिफ तो सुन ले फिर आप उन पर तनकीद कीजिएगा। जी जी कमल कहिए। इसलिए जनाब मैंने शुरू में कहा कि ये सूबा तोड़ने की जो एक बात ये कर रहे हैं ये इनके अपने दिल दिमाग के अंदर ये मौजूद है, और ये इसको जिस तरीके से आज उन्होंने आर्टिकुलेट किया है बिलावल ने, और एक पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की है कि ये भी बन जाएगा सिंधिस्तान, सिंधुस्तान बनेगा और सराइकिस्तान बनेगा, मैं तो हैरान हो गई उनकी सोच पे कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता इस मौके पे। उन्होंने किस तरीके से कंपेरिजन किया है कि कश्मीर जो मोदी की फौजों ने इस वक्त इसको हेल्ड किया हुआ है उसको वो कराची से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब फॉर गॉड सेक 11 साल मेरे ख्याल में जो उनको तकरीरें लिख के देते रहे आज उनसे मिस फायरिंग हो गई है कि बिलावल आज वो बातें कर रहे थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई अपनी सेंसेस में बात कर रहे हैं। अगर भुट्टो साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149(4) जो हिस्सा है वो क्या सूबा तोड़ने की बात कर रहे हैं? किस किस्म की आप लोग बातें कर रहे हैं और किस किस्म का आज नैरेटिव बनाने की कोशिश किस किस्म का किस किस्म सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रही है, मेयर जहां जा रहे हैं वहां भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जवाब दे हैं, लोग पूछना चाहते हैं क्या ये वजह हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की? मैं इसका सिर्फ आपको इतना बता दूं कि देखिए ये मुल्क, मैंने आपको पहली बात ये कही है कि स्टेट्स विद इन द स्टेट नहीं है, ये सारा पाकिस्तान है और सूबों को इंतजामी उमूर पे डिवॉल्व की गई है पावर्स। उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक स्टेट बना के बैठ जाएं और उसको नो गो एरिया कर दें डिक्लेयर, और जब उसमें इंटरवीन करने की या बहरहाल अगर मामलात खराब करते रहे धमकियां देना शुरू कर दें। देखें वजीर आजम पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12 इस दफा कराची से मैंडेट उनकी पार्टी ने लिया है, तो उन्होंने इन्हीं चीजों पर मैंडेट लिया है। जी रेहान देखें उनके तो लगता है लाशऊर में बसा हुआ है जो ये जिसके खदशात के इजहार कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हाकिम अली जरदारी साहब की बातें बसी नहीं है। मैं दूसरी चीज ये कि अगर आप समझते हैं हमारे लाशौर में कोई ऐसी, देखिए यास्मीन मैं इसमें जरूर इंटरव्यू करूंगी। जी मैम कर ले। आपको शायद याद होगा कि जिनापुर का नक्शे जो बांटे गए थे जी, जी वो वक्त आपको याद होगा, हमारे लाशौर में ये बातें नहीं है। ओके लेकिन जो बयान दागे हैं खुदा की कसम बंदे की दुख से बुरी हालत हो जाती है कि अभी भी महाजिर उर्दू स्पीकिंग ये कोई बातें करने वाली, जो लोग वहां से लुटे पिटे यहां आए आज भी आप उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो गई। मैं तो हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई भी लाशानी बुनियादों पर डिवीजन किए जा रहे हैं। ये रेहान का कोई ये वो पीपल्स पार्टी मैम ने आप दोनों रेहान का तो बोल दे हाईजैक की हुई है। सिंध में रहने वाले हैं वो सिंधी है, वो सिंध में रहने वाले हैं वो सिंधी है, वो सिंध का हिस्सा है। और आज कराची का कोर इशू, एक सेकंड मैम, कराची का कोर इशू अपने सर का, अपने सर की टोपी उतार के इनके सर पे रखी थी। ठीक है जो हमारी हुकूमत थी 5 साल हुकूमत थी या 10 साल हुकूमत थी, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही है, आसिफ अली जरदारी ने हमारी दुआ है कि आज भी कोई लाई बस पैदा हो बिठाया है। अच्छा मैम एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड कर रही है रेहान को कुछ बात करने दें, वो कुछ कमेंट करना चाहते हैं। अच्छा आप खामोश हो जाएं, रेहान कुछ कहना चाहते हैं। एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है ना, बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला शख्स चाहे वो किसी भी जबान का हो, किसी भी पॉलिटिकल ये हर कॉस्मोपॉलिटन शहर में होता है, पूरी दुनिया से लोग आ जाते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तो तमाम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ,
और अगर एक गली में रहने वाला कोई पीपल्स पार्टी का वोटर है और 10 वहां पर एमक्यूएम के वोटर हैं, एक पीटीआई का वोटर है, तो सारे सफर कर रहे हैं ना भाई। और ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत अगर अपना किरदार अदा नहीं करे और फंड की बात छोड़े, आप बताएं शगुफ्ता ने जो आपसे पैसों की बात की है उसका जवाब मैं आपसे ही कह रहा हूँ ना। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तो मीटिंग नहीं की, इनका ऑडिटर हर डीएमसी केएमसी में बैठा हुआ है। प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट नहीं होता क्या? ये अपने ऑडिटर से पूछ लेना कितना पैसा देते हैं। 2 साल से तो तनख्वाहें बढ़ाने के लाले पड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम बजट में हम बना के लिखकर जरूर देते हैं कि जनाब ये करवाना है, ये करवाना है, तनख्वाहों की इतने। पिछले हफ्ते जो ऑडिट रिपोर्ट रिलीज हुई है, लीक हुई है, जिसमें 48 करोड़ के पेट्रोल जो खर्च किए आप लोगों ने, उसके बारे में क्या जवाब है आपका? वो क्या है? पहले बिल्कुल सही है, अगर अगर इन्फ्लेशन हो गई, सुन तो ले, सुन तो मेरी बात मुकम्मल हो जाए। और गोस्ट एम्प्लॉइज मैं बताता हूँ, देखें आज से तकरीबन 10 साल पहले अगर 35 रुपए का डीजल था, आज कितने का है? 127 रुपीस का है। तो इसका मवाजना वो यकीनन प्राइस तो बढ़ेंगी, जो पहले 100 रुपए इस्तेमाल होता था 4 गुना बढ़ेगा, आज 400 रुपए इस्तेमाल होगा। तो प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट तो इनका डिपार्टमेंट ही तो करता है, पूछ ले अपने डिपार्टमेंट से अगर इतने खदशात हैं। इन क्या तनख्वाही नहीं बढ़ी? आज से 10 साल पहले जो आदमी 15,000 रुपए हायर हुआ था, आज उसकी तनख्वाह 40-45,000 रुपए नहीं होगी क्या? ये तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होगा। दूसरी चीज़ तो आपके गोस्ट एम्प्लॉइज हैं। ये मैंने तो ऑफर किया ना, या तो एक काम करता हूँ, ये तशरीफ लाएं, हम लेकर परेड करवाते हैं, खड़े हो। ये तो सिर्फ खामखा के बहाने बना रहे हैं। ये अभी कराची की बात हो रही है, लोग काम कर रहे हैं ना, लोग काम नहीं कर रहे, लोग तनख्वाहों से महरूम हैं। लोगों को 2 साल से 3 साल से इंक्रीमेंट करके नहीं मिल रही तनख्वाहें। मैं बलदियाती मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, जो इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, मेयर साहब तो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे कुछ इदारों की, जो इदारे सिंध हुकूमत के पास हैं वो सारे मौज में, और एक इदारा नहीं है, कई दर्जन भर इदारे हैं। भाई आपको शायद पता होगा कि पीआईए फेडरल का डिपार्टमेंट है, जिसको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि पूरा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में है? आप अगर ये कहना चाह रही हैं पूरा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो इसका मतलब है कि कराची भी इकोनॉमिक क्राइसिस में है। और आर्टिकल 140 रेहान, आपका कमल, आपका और शकीफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।